अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद एंड मरहबा बीजी के किचन में। फ्रेंड्स, आज मुझे ऐसा लग रहा था, आज मुझे बहुत ज्यादा, आई वॉज फीलिंग सो कोल्ड टूडे एंड इट्स सो ब्यूटिफुल आउटसाइड, व्हाट अ वेदर। तो मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रहा था कि आज जो है कॉफी के साथ मैं बनाऊं जलेबी और खाऊं जलेबी गर्मा गर्म। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स मेक जलेबी, आज बनाते हैं गर्मा गर्म, ईजी, क्विक, टेस्टी, लो बजट जलेबी जो हाथ के हाथ बन जाए और कॉफी के साथ खाई जाए। तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ टूडे इज माई रेसिपी झटपट जलेबी। तो इसके लिए हमें चाहिए, हमें इसके, अच्छा ये कुछ आप देख रहे होंगे मेजर के आपको कप्स दिख रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं, कोई प्रैक्टिकल वो नहीं हो रहा हमारा। ये जो है 1/4 टीस्पून है और इसके बाद ये 1 कप है मेजर का, और ये आप ग्लास देख रहे हैं जिसमें आपको हमें पानी लेना है 150 ml। तो इसलिए मैंने कुछ मेजरमेंट्स इसकी हैं जो इधर से उधर नहीं होना चाहिए, तो जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल उतना ही हिसाब रख के आपने बनाना है जलेबी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए 150 ml वाटर। अब मैं ये 150 ml लूंगी, ठीक है, दिस इज मेजरमेंट कप, आप कोई भी मेजरमेंट अपना कप जो यूज करते हैं वो ले ले, 150 ml वाटर, राइट। इसके बाद मुझे चाहिए ये 1 कप है तो मुझे चाहिए 1 कप मैदा, ये आपका 1 कप यू कैन से मैदा, ठीक है, इसमें डाल दिया एक बाउल में। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 4 टेबल स्पून दही। सब कुछ बहुत ही आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इसका जो हिसाब है हर चीज का क्वांटिटी आपने देखना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ठीक है। ये 3 and 4 टेबल स्पून, गुड। इसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ये 1, ये 2, ये 3 and 4, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के लिए इसमें हमने, अच्छा 1/4 टी स्पून हमें लेना है बेकिंग सोडा, राइट, बेकिंग सोडा हम लेंगे 1/4 टीस्पून, ये मेरा 1/4 टीस्पून आप देख सकते हैं, एंड इसमें डालना है। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है, आप इट्स एन ऑप्शनल, इफ यू वांट यू कैन पुट अ फूड कलर, इफ यू डजंट वांट सो इट्स ओके, बट आई एम यूजिंग दिस अफरानी रंग बिकॉज आई लाइक अ बिट ऑरेंजिश, जो जलेबी होती है मुझे देखने में बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं 1 पिंच इसमें ले रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का सा मैंने इसमें डाला है ज़फ़रानी रंग, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से 150 ml पानी हमने इसके अंदर डाल दिया, पहले हम इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसे ये हैंड बीटर की मदद से हमें इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है, यानी पहले इसको घुमाना है सीधे हाथ, फिर इसे घुमाना है उल्टे हाथ से, अब आप देख सकते हैं इसका जो बैटर है वो ऐसा, इट्स रेडी। अब हमारा क्या स्टेप है कि हमें इसे जो है 30 मिनट्स के लिए फॉर्मेट होने के लिए रख देना है, इसे हमें सेट होने के लिए आपने इस बैटर को 30 मिनट यानी 30 मिनट्स के लिए इसी तरह ढक के रख देना है, उसके बाद हम इसका बकिया का प्रोसीजर करेंगे। सो फॉर्मेट होने के लिए इसे आप 30 मिनट्स तक इसी तरह रख दें। ऑलराइट फ्रेंड, 30 मिनट्स हो गए हैं एंड अब आप देख सकते हैं कि इस बैटर का जो ये इस तरह, ठीक है,
ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह के आपके हाथ जो है ना वो अच्छे से मूव करें। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मैंने क्या किया, शीरा बनाने के लिए मैंने एक कप पानी में डेढ़ कप चीनी डाल दिया है, दो इलायची के दाने डाल दिए और एक पूरा नींबू का नींबू इसमें मैंने निचोड़ लिया है और इसको खोलने के लिए छोड़ दिया है। अब ये शीरा जो है बन रहा है, बिकॉज टाइम को देखते हुए मैंने कहा इतने देर में मैं आपके लिए शीरा तैयार कर दूँ। ठीक है, ये शीरा आपका ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। अब हम क्या करना है, अब हमें एक ये पैन गरम कर रही हूँ मैं और मैं इसका फ्लेम जो है ना वो लो कर देती हूँ। राइट, अब आप देखेंगे ये मेरे पास एक अगर आपके पास कोन वो नहीं है तो मैं तो इसको इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त, कैचअप की कोई भी बॉटल आपके पास है या कोई भी ऑयल की, इसके अंदर आप इसे डाल दें। ऑलराइट, ये इसमें मैंने भर दिया है और अब इसको मैं इस तरह बंद कर दूंगी। बहुत आसान होता है अगर आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इस तरह की बॉटल में, मैं तो इसी से करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर मी। तो अगर आप भी ट्राई करें तो डेफिनेटली बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें लो फ्लेम के ऊपर इसे पैन में अपने हाथ को बहुत ही अच्छे से सेट करते हुए round 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 and round. Okay. You can see the color. ठीक है, जैसा आपको पसंद है आप उस तरह राउंड 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 कर सकते हैं। और हाथ की सेटिंग की बात होती है कि कितना अच्छा आपका हाथ का सेटिंग हो, बाकी जो मेन है वो यही है कि जब ये टूटे तो क्रिस्पी हो और बहुत ही मज़ेदार, अंदर से थोड़ा सा फ्लफी भी होगा। और मज़ेदार सी ये जो है जलेबी, इसको मैं इस तरह इसलिए टर्न कर रही हूँ बिकॉज यू कैन सी द कलर, मैंने आपको कहा था ना हल्का सा ऑरेंजिश सा शेड आएगा, तो ये बिल्कुल मार्केट वाली जलेबी का कलर आया है। अगर हम इसमें बिल्कुल नहीं डालते तो वो ऑफ वाइट से आप मुझे इतना पसंद नहीं है। एंड मुझे जो एक्चुअली पसंद होता है ना वो मैं शेयर करती हूँ और वो ही मैं बनाती हूँ बिकॉज हर का अपना एक लाइकिंग होता है, तो खाने का भी अपना अपना लाइकिंग होता है, कैसे मसाले पसंद है कैसे, क्योंकि यही मेरा तरीका है। बनाना तो सभी को ही आता है, हर कोई बना ही लेता है, एवरीबॉडी इज एक्सपर्ट, लेकिन क्या है कि अलग अलग तरीका, अलग अलग लोगों का स्टाइल एंड ढाबे में रेस्टोरेंट में घरों में देसी फूड ये फूड वो फूड एंड दिस सिटी दैट कंट्री, हर तरह का लोगों का एक अपना स्टाइल होता है और वही हमें अच्छा लगता है। तो आप इसे ट्राई करिए, झटपट सा है, ज़बरदस्त सा है, एक सर्विंग डिश में। नाउ आप देख सकते हैं इसको एक टन दिया और बहुत ही क्विक करना है। ठीक है, इसको रखना नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। सो यहाँ जो है मेरा शीरा रेडी हो गया, तो मैं इसमें डाल दूंगी। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। सही है, ये मैंने इस चाशनी के अंदर डाल दिया है इसको। Thank you.
ठीक हो गया। और राइट नाउ क्या करना है हमें, इसको सर्विंग जो हमारी ट्रे है उसमें मैं निकालती हूँ एंड आई टेल यू हाउ आई विल सर्व एंड आई सर्व फॉर माई सेल्फ। मैं अपने आप के लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म जलेबी कॉफ़ी के साथ। एंड कभी कभी अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, ट्रीट देना ही चाहिए। तो इस तरह आप इसे निकाल के ऐसे ये आ गई आपकी झटपट सी मजेदार सी जलेबी। और ये अकेला क्यों है, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। एंड हम इसको इस तरह से लगा देते हैं। एंड मैं क्या कर रही हूँ बीजी किचन में, मैं ये देखिए ये मैं बना रही हूँ बी बीजी किचन का बी। सो फ्रेंड्स ये है हमारी आज का, दिस इज बी फॉर बीजी किचन। एंड आई होप आपको जो है आज की झटपट सी मज़ेदार सी यमी सी जलेबी पसंद आई होगी। इसे आप फौरन फटाफट अपने घर में जो है ट्राई करें, बनाएं, इसे कमेंट करें मुझे कि आपको कैसा। मैं थोड़ा सा चाशनी डालती हूँ, आई लव दिस सिरप अ लॉट, थोड़ा सा होना चाहिए ना। ओके ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई होप आपको मेरी ये मज़ेदार सी झटपट सी जलेबी पसंद आई होगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें। एंड लाइक एक लाइक तो बनता ही है गर्मा गर्म कॉफी के साथ जलेबी का। एंड एंजॉय करें विंटर्स को, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और देखते रहें बीजीज किचन। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।